जय हिंद। तो देखिए, आप सभी के लिए एक और जो नई वैकेंसी है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टूडेंट में जो नई वैकेंसी है ऑफिशियली आप सभी के लिए जो है आउट हो चुकी है। ये जो आपकी वैकेंसी है बिल्कुल परमानेंट आपकी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आपकी आउट की गई है। तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी के लिए ये जो आपका देखिए नोट कीजिए कि शॉर्ट जो नोटिफिकेशन है वो अभी आपका आउट किया गया है। तो आपके जो शॉर्ट नोटिफिकेशन की जानकारी है भर्ती के बारे में, चलिए आपको जो BIS की तरफ से आउट हुआ है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपके वैकेंसी की जानकारी। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको पोस्ट का नाम दिया गया है, फिर उसका पोस्ट का पे लेवल क्या है वो बताया गया है, उस पोस्ट के लिए आपके मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो क्या रहेगी, टोटल यहाँ पर पोस्ट आपके कितनी हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है UR, EWS, SC, ST, OBC और फिजिकल हैंडीकैप, तो उसमें कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी हैं वो डाटा यहाँ पर जो है आपको दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन सी पोस्ट है, तो सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के लिए। यह आपकी पे लेवल 10 की पोस्ट रहेगी, 35 साल मैक्सिमम आपकी एज लिमिट है और एक आपकी वैकेंसी है, यह है आपकी EWS के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए, यह भी आपकी लेवल 10 की पोस्ट है, 35 साल एज लिमिट रहेगी, एक वैकेंसी है OBC के लिए। देन असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए जो पोस्ट है ये पे लेवल 10 की पोस्ट है, 35 साल एज लिमिट है, एक वैकेंसी है आपकी UR कैटेगरी के लिए। यह है आपकी ग्रुप ए की पोस्ट। अब यहाँ पर है आपकी ग्रुप बी की पोस्ट। ग्रुप बी की पोस्ट में आपकी सबसे पहली पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट, पे लेवल 6 यहाँ पर रहेगा, 30 साल एज लिमिट है, टोटल आपकी 27 वैकेंसी हैं। इसमें से जो कैटेगरीज वैकेंसी हैं UR, EWS, SC, ST, OBC वो आप देख पाएंगे। देन नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पे लेवल 6 की पोस्ट है, 30 साल आपकी एज लिमिट है और यहाँ पर आपके टोटल 43 वैकेंसी हैं। देन यहाँ पर आपके नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन के लिए, पे लेवल 6 की पोस्ट रहेगी, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, एक ही वैकेंसी है आपकी जो कि UR कैटेगरी के लिए रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपके जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपके ग्रुप सी के लिए। ग्रुप सी में आपकी सबसे पहली पोस्ट है स्टेनोग्राफर, लेवल 4 की पोस्ट है, 27 साल एज लिमिट है, टोटल 19 आपकी वैकेंसी हैं। देन सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी हैं बहुत अच्छी खासी हैं, 128 वैकेंसी हैं, पे लेवल 4 की पोस्ट रहेगी, 27 साल एज लिमिट यहाँ पर आपकी दी गई है। देन आपकी JSA जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लेवल 2 की पोस्ट है, 27 साल एज लिमिट है, टोटल यहाँ पर 78 वैकेंसी आपके लिए आउट की गई हैं। इसके बाद ग्रुप बी की पोस्ट हैं, लेकिन ये आपके लेबोरेटरी टेक्निकल के लिए हैं। तो इसमें टेक्निकल असिस्टेंट के टोटल 27 वैकेंसी हैं, जिसमें 30 साल एज लिमिट है और पे लेवल 6 की ये आपकी जॉब रहेगी। ये जो पोस्ट है ना लेबोरेटरी टेक्निकल के लिए, इसमें आपकी जो है वैकेंसी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है, मैकेनिकल, केमिकल और आपकी माइक्रोबायोलॉजी के लिए। इसके बाद आपकी आती है ग्रुप सी की पोस्ट। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए देखिएगा, यहाँ पर आपकी सबसे पहले जो पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन के लिए है, ये भी पे लेवल 4 की पोस्ट है, 27 साल एज लिमिट है, 18 वैकेंसी हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके ये वैकेंसी है इसमें ट्रेड आपकी बांटी गई हैं ITI के अकॉर्डिंग, जैसे कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर और आपकी इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन। इसके बाद आपके नेक्स्ट पोस्ट है और लास्ट है टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन के लिए, पे लेवल 2 की पोस्ट है, 27 साल एज लिमिट है और यहाँ पर एक वैकेंसी आपकी इस पोस्ट के लिए है, वो है OBC। तो ये आपके वैकेंसी का डाटा यहाँ पर दिया गया है कि आपकी पोस्ट का नाम क्या है, उसका पे लेवल क्या है, उसमें मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, टोटल कितने वैकेंसी हैं और आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं। बात करें यहाँ पर आपके जो फॉर्म हैं कैसे आपको अप्लाई करने हैं, तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्म है वो आपको BIS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bis.government.in यहाँ से अप्लाई करने होंगे और 9 सितंबर से फॉर्म आपके स्टार्ट रहेंगे, 30 सितंबर आपके फॉर्म को अप्लाई करने की यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिए जो क्वालिफिकेशन है सबसे पहले बात करें असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी की पोस्ट के लिए,
तो इसमें जो है आपके पास पीजी यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री है वो होनी चाहिए, प्लस में यहाँ पर जो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन वर्क का किसी भी जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के लिए, यहाँ पर भी जो है आपके पास है MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए और 3 साल का जो एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में वो आपका होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर के लिए, यहाँ पर भी जो है आपके पास MBA होनी चाहिए और यहाँ पर 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपसे मांगा गया है। जो MBA है वो यहाँ पर आपके देख सकते हैं कि अगर आपके पास MBA है या फिर मास्टर डिग्री है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन मास कम्युनिकेशन तो भी आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा और जो आपकी शॉर्ट हैंड टेस्ट है वो भी यहाँ पर कंडक्ट आपका होने वाला है, जो कि इंग्लिश या फिर हिंदी में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ASO के पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो कंडक्ट होगा, ये आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। इसके बाद असिस्टेंट जो आपके कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन की पोस्ट है इसमें बैचलर डिग्री विद साइंस और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री आपके पास इन साइंस में है तो भी यहाँ पर जो है आप एलिजिबल होंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो आपका ड्राफ्टमैनशिप में होना चाहिए या फिर आपका जो है टाइपोग्राफी में होना चाहिए। और अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा अगर है इंजीनियरिंग का सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का विद 5 ईयर एक्सपीरियंस तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। स्टेनोग्राफर में बैचलर डिग्री और जो आपका CPT है प्लस में शॉर्ट इंटरेस्ट है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा, ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है SSA की पोस्ट के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो टेक्निकल आपके असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें मैकेनिकल केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो है आपकी विद साइंस आपकी रिलेवेंट फील्ड में रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ, और मैकेनिकल के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और ये कम से कम आपका जो है 60% मार्क का जो क्राइटेरिया है वो आपका यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए 10th+ में जो सर्टिफिकेट है ITA की वो होनी चाहिए, ये जो सर्टिफिकेट है जिस पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई करेंगे उसी ट्रेड से अगर आपने कर रखी है तभी आप एलिजिबल माने जाओगे। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है इसमें डायरेक्टर हिंदी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट होगा, पर्सनल असिस्टेंट में ऑनलाइन एग्जाम और आपका स्किल टेस्ट होगा, ASO के पोस्ट के लिए आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम और स्किल टेस्ट होगा, असिस्टेंट कंप्यूटर एडिट डिजाइन के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एग्जाम और आपका कंप्यूटर टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफर में भी एग्जाम और स्किल टेस्ट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में एग्जाम और आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, और टेक्निकल असिस्टेंट और आपका सीनियर टेक्नीशियन के लिए भी ऑनलाइन एग्जाम प्लस में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट। तो ये जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर आपकी रहने वाली है। तो यह है आपकी जानकारी जो आपकी BIS में नई वैकेंसी आई है इसके बारे में। अब हर एक पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है या फिर हर पोस्ट के लिए जो कंप्लीट आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको हम अलग से पोस्ट वाइज आपके जो है वीडियो लेकर आपको बता देंगे। ओके, तो ये थी जानकारी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट अगर है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जुड़े रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।